हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ब तो आज हम वर्ब को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से सेंटेंस में कौन कौन से वर्ब यूज होगी आपको पता ही है वर्ब के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी आती हैं आपकी मॉडल वर्ब्स भी आती हैं लेकिन यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ेंगे उनको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे ठीक है तो वर्ब टेंस मीन्स वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस कैसे फिल हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आते हैं हम अपनी फर्स्ट लाइट पे तो दिस इज आवर फर्स्ट तो द फर्स्ट सेंटेंस इज इट फॉज फाउंड दैट some students dash not attending their classes वो कह रहा है इट वाज फाउंड दैट ये पाया गया था कि कुछ जो स्टूडेंट्स है डैश नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस वो अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं करते थे ठीक है ये उन्होंने देखा जहाँ ये उन्होंने नोटिस किया कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं करते थे अब यहाँ पे आपका वर्ब क्या आएगा देखिए डू तो आएगा ही नहीं Is तो आ नहीं सकता क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स हैं और एक वर्स की बात हो रही है मतलब पास्ट की बात हो रही है तो ये पास्ट ही फील होगा सो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज वर सेकेंड इज सो नेक्स्ट जो आपका so guys, आपका सेकेंड जो सेंटेंस है वो है ही डैश अराउंड द फिल्थ रूम इन डिसटेस्ट आपका फिल्थी का मीनिंग होता है मतलब जो चीज बहुत ही डर्टी हो ठीक है वो कह रहा है कि उसने क्या किया अपने अराउंड फिल्थी फिल्थी रूम को देखा इनडिस्टेस्ट डिस्टेस्ट होता है डिसलाइक वाली फीलिंग्स जब आप किसी चीज को डिसलाइक करते हैं तो ही लुकड आएगा लुकिंग तो आएगा नहीं क्योंकि लुकिंग आ, इज़ इज़ uh, आएगा एम एम लुक्स होता नहीं है इज लुक्स so होता नहीं है सी और डी दोनों सेंटेंस ऑप्शन रॉन्ग है आपका बी तभी आएगा अगर वहां पे इज या वॉज होता और ए इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ए ही जो है वो करेक्ट बचता है फोर ऑप्शन में से तो ए जो लुक्ड है दैट इज योर राइट आंसर सो नेक्स्ट इज योअर थर्ड ऑप्शन इज योअर थर्ड सेंटेंस वी डैश टू द न्यू हाउस बिकॉज ओल्ड हाउस वो स्मॉल एनफ फॉर आर फैमिली वो कह रहा हम जो थे न्यू हाउस जो ओल्ड हाउस था वो स्मॉल था हमारी फैमिली के लिए इसलिए वी अब वॉज है तो यहाँ पे आपका पास्ट वाला ही होगा वी इज शिफ्टेड होता नहीं है वी आर शिफ्टेड भी नहीं होगा यहाँ पे होगा आपका राइट right आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस हम न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि ओल्ड हाउस जो था वो बहुत ही स्मॉल था हमारी फैमिली के लिए तो नेक्स्ट इज इट इज ने फॉर द गवर्नमेंट टू डैश देयर पीपल्स लाइफ बेटर वो कह रहा है ये बहुत ही जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करे अपनी जो लोगों की लाइफ है वो क्या बनाए बेटर बनाए ठीक है इट इज ने फॉर द गवर्मेंट टू मेक देर पीपल्स लाइफ बेटर तो यहाँ पे क्या आएगा मेक आएगा या मेक्स आएगा यहाँ पे आपका, मे, आपका जो राइट आंसर है वो मेक रहेगा ठीक है तो मेक इज द राइट आंसर बी ऑप्शन देन नेक्स्ट इज योअर फिफ्थ सेंटेंस इज आई डेली वेट फॉर हिज कॉल बट ही डैश नॉट कॉल वो कहते हैं है डेली ही उसका वेट करता हूँ उसके काल के लिए बट ही डॉ पे आपका क्या आएगा ही आपका क्योंकि आप देखिए ये डेली वाली हैबिट है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ आपका डज जो हेल्पिंग वर्क है दैट इज यूज इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है माय फादर डैश न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप तो वो कह रहा है मेरे फादर जो हैं वो क्या करते हैं रेड न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप जा क्या आएगा बोलिए आप राइट आंसर बताइए इसका क्या आएगा फो, फोर जो फोर ऑप्शन है रेड आएगा इज रीड आएगा एम रीड आएगा या रीड्स आएगा अब माई फादर है सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर जो रहेगा वो रीड्स रहेगा क्योंकि माई फादर जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे रीड्स आएगा ठीक है वन मस्ट अबाउट बिफोर डैश इट वो कह रहा हर किसी एक को कंसिडर करना चाहिए किसी भी मैटर के बारे में बिफोर बिफोर क्या आएगा आप बिफोर आपको इसमें से बताना है रिटर्न आएगा एम रिटर्न होगा नहीं रिटर्न होगा नहीं जा अब तो, तो जो आपका है वो नहीं होगा अब इसका राइट आंसर right जो होगा वो रिटर्न रहेगा ठीक है तो आपका रिटर्न्स भी नहीं होगा और रिटर्न भी नहीं होगा तो ये आपका राइट आंसर रिटर्न रहेगा द नेक्स्ट इज दे डैश आस्क टू गिव ओपिनियन इन देयर ओन वर्ड्स इसमें क्या आएगा देखिए आपको आपको वर्ब फिल करना है ठीक है दे डैश आस्क्ड टू गिव ओपिनियन इन देयर ओन वर्ड्स में उससे पूछा गया कि वो अपने ओन वर्ड्स में क्या करे ओपिनियन दे ठीक है तो अब आपका यहाँ पे मे बी आपका मॉडल वर्ब है कुड बी मॉडल वर्ब है माइट मॉडल वर्ब है हैविंग अब आप इसका राइट right आंसर क्या रहेगा आपका मे बी तो दे मे बी आस्क्ड टू गिव वो कह रहा मे बी उसे पूछा गया था कि वो अपने वर्ड्स में क्या करे ओपिनियन डे ठीक है तो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज यूर या मॉडल फील किया हमने डू यू नो आई डैश आस्कूने क्या तुम जानते हो किएगा अब, अब इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका एम आई एम आस्क टू बी ऑनेस्ट एम इज द राइट आंसर नेक्स्ट The of डैश feelings ऑफ हिडन फीलिंग्स every बिहाइंड वो कहता अब अब क्या क्या आएगा there was आएगा there having आएगा 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 भी भी नहीं आएगा, भी नहीं अ लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स इमोशंस बिहाइंड एवरी फेसेस ठीक है ये आपका राइट आंसर नेक्स्ट इज इलेवेंथ इज डू यू ब्रेक बाई डैश यू ब्रेक यूर प्रोमिस क्यों तुमने अपना प्रोमिस तोड़ा ठीक है तो यहाँ पे आएगा भी आ भी आ अब आप क्या लगाओगे क्यों? तोड़ा तो वाई तो डिड तो तुमने ऐसा क्यों किया अपना प्रोमिस जो है वो क्यों तोड़ा ठीक है डिड इज द राइट आंसर इच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पेस पीस इन द रीजन हर कंट्री ये रिस्पॉन्सिबल रखे वो क्या रखे टू कीप कीप आपका ए आंसर रहेगा बी सी एंड डी कौन सा आंसर जो राइट रहेगा दैट इज योर आपका कीप वर्किंग वो कहता है हर कंट्री रिस्पॉन्सिबल है कि वो वर्किंग रहे मतलब वर्किंग फॉर पीस शांति के लिए काम करे अपने रीजन में ठीक है तो नेक्स्ट इज यूर ट्वेल्व ट्वेल्व टेररिस्ट डैश इन एयर स्ट्राइक ट्वेल्व टेररिस्ट क्या हुए थे स्ट्राइक में किल्ड हुए थे, मारे गए थे तो यहाँ पे आपका किल्ड आएगा तो so क्या आएगा? She called of effective आएगा? आएगा? आएगा नहीं शी कॉल्ड आएगा या वी कॉल्ड आएगा तो so इसका राइट right आंसर आपका रहेगा शी द राइट आंसर आई डैश रिपेयरिंग द डिफेक्टिव कार तो आई एम यहाँ पे आएगा आई एम रिपेयरिंग द डिफेक्टिव कार मैं क्या रिपेयर कर रहा था डिफेक्टिव कार को रिपेयर कर रहा हूं हूं आएगा क्योंकि नेक्स्ट इज योअर एवरी पर्सन डैश इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वरिज हर पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वरिष्ठ है एवरी पर्सन हैज आएगा राइट so, आंसर right क्योंकि ग्रेटेस्ट तो प्लेयर वो क्या है एक ग्रेटेस्ट प्लेयर है एंड ही फील्स आएगा क्योंकि ही इज ए आगे इसका राइट आंसर फील्स रहेगा ठीक है ही फील्स हाईली प्राउड बाय नेशन तो नेक्स्ट इज यूर शी डैश वर्किंग वेरी हार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन तो शी हैजीन वर्किंग वेरी हार्ड यहाँ पे आपका क्या आएगा वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रही uh, कर रही uh, मतलब वो क्या कर रही है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है अपने एग्जामिनेशन से पहले तो हैज बीन इज द राइट आंसर तो प्राइम मिनिस्टर डैश द मीटिंग टू डिस्कस मैटर्स टू द कंट्री तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था

20 सेंटेंसेस थे ये आपके वर्ब के लिए हैं तो नेक्स्ट इज योर ये जो आपकी एक्सरसाइज है वर्ब की दिस इज फॉर योर होमवर्क आप अच्छे से इसको रीड कीजिए और डन फिल कीजिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि किस तरह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिल होगा ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस है प्रेजेंट है फ्यूचर है कौन से टेंस की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका वर्ब होगा वो फिल होगा ओके okay, गाइस तो नेक्स्ट वाली जो अब नेक्स्ट ये आपका प्रोनाउन की जो आपको कल मैंने प्रैक्टिस वर्क दिया था ये उसके क्वेश्चन है तो आज हम इनको इसके जो आंसर है वो बताएंगे डैश हैव वन वन सिस्टर एंड ब्रदर अब देखिए आई है तो आई की जगह आपका क्या यहाँ पे डैश है कि क्या है वन सिस्टर है और वन ब्रदर है तो आई हैव वन सिस्टर एंड वन ब्रदर मेरा एक भाई है और एक ब्रदर है तो आई हमने फिल किया कॉमर्स इज माई ब्रदर डैश Is 20. Thomas, मेरा ब्रदर है. है. अब Thomas की ही बात हो रही है. He is 20. वो का का है. 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 मेरी सिस्टर वो वो की मैं मेरे से ओल्डर है जितना की मैं हूँ उससे ज्यादा ठीक है थॉमस बैटी एंड आई आर फ्रेंड्स डैश फाइट पूरा प्रोनाउन वी फाइट हम कभी भी फाइट नहीं करते थॉमस लाइक्स टू स्टडी ही पसंद करता है और वो कॉलेज जाता है कार बैटी के पास एक कार है इट इज ब्लू मतलब ये इट जो यूज हुआ दैट इज फॉर कार तो कार कैसी है ब्लू कलर की है तो डू यू हैदर्स एंड सिस्टर क्या तुम्हारे ब्रदर्स और सिस्टर्स है तो ये इसका आंसर ये ये आपके के से, ये बहुत ही सिंपल थे कोई भी छोटी वाले भी छोटी वाले फिल कर सकते हैं तो ये आई होप कि आपके सारे ही वो प्रॉपर तरीके से और सही होंगे गाइस तो आप जो नेक्स्ट है वो आप अच्छे तरह से उसको वर्ब की एक्सरसाइज को फिल करना तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो Okay, friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share, and subscribe my channel.